इस्लाम धर्म की कुछ झूठी बातें। दोस्तों, इस्लाम एक एकेश्वरवादी धर्म है जो यह सिखाता है कि केवल एक ही ईश्वर है और सिर्फ वही पूजनीय है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सच्चा धर्म है, लेकिन आज इस धर्म में भी कई तरह की भ्रांतियां और गलतफहमियां फैल चुकी हैं। बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो झूठी बातों पर यकीन करते हैं और उन्हें मनाते भी हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ झूठी बातों को बताएंगे, लेकिन इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल द इलॉजिकल लैंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बने बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल की नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, मिथ्या बातें न सिर्फ इस्लाम धर्म बल्कि हर धर्म में होती हैं। ऐसा कह सकते हैं कि यह हमारी अज्ञानता के कारण आती हैं या फिर आसपास के परिवेश का असर भी हो सकता है। इस्लाम धर्म के बारे में कुरान में लिखी एक एक बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस्लाम धर्म के बारे में गलत फहमियाँ भी फैलाई गई हैं। ताजिया बनाना या जुलूस निकालना। दोस्तों, ताजिया बनाना या उनका जुलूस निकालना हराम है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश में ताजिया नहीं बनाए जाते। और दोस्तों, इस्लाम धर्म में ढोल नगाड़े बजाकर या तख्त ताजिया उठाकर दुख जताना या मातम करना और उनका जुलूस निकालना नाजायज है। कब्र पर मन्नतें मांगना। दोस्तों, कुछ मुसलमान व्यक्ति कब्रिस्तान में अपने पूर्वजों की कब्र पर जाकर अगरबत्ती और लोबान जलाकर उनसे मन्नतें मांगते हैं, जबकि इस्लाम धर्म में इसकी सरासर मनाही है। कब्रिस्तान में जाकर आपको दरूद शरीफ पढ़कर मुर्दों के लिए अल्लाह से रहम की दुआ करनी चाहिए। उनसे खुद के लिए दुआ करना या कुछ मांगना सरासर गलत है। मुस्लिम होने का मतलब मांसाहारी होना जरूरी। दोस्तों, इस्लाम में मांसाहार स्वैच्छिक है, ना कि अनिवार्य। जिस तरह व्यक्ति रोटी, चावल, दाल में अपनी पसंद का चयन करता है, उसी तरह वह मांसाहार और शाकाहार में भी अपनी पसंद का चुनाव कर सकता है। लेकिन आज के समय में कुछ लोगों के मन में यह भ्रांतियां पैदा हो गई हैं कि इस्लाम में मांस खाना अनिवार्य होता है, जबकि ये जरूरी नहीं है। आप शुद्ध शाकाहारी होते हुए भी मुसलमान हो सकते हो। ज्यादा बच्चे पैदा करना मतलब मजहब की तादाद बढ़ाना। कुछ लोगों ने स्पेशली भारत में इस्लाम धर्म के बारे में यह गलतफहमी फैला रखी है कि मुसलमान लोग अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। यदि कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के ज्यादा बच्चे हैं, तो इसकी वजह ये नहीं कि वो अपने मजहब की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, बल्कि इसका मुख्य कारण ये है कि उनमें शिक्षा और जागरूकता का अभाव है। जिहाद का मतलब बेगुनाह लोगों को मारना। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि इस्लाम में जिहाद का मतलब बेगुनाह लोगों को मारना है। इस्लाम में दूसरे धर्म के लोगों को मारकर अपने धर्म को आगे बढ़ाना होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। इस्लाम में जिहाद का मतलब होता है रक्षात्मक युद्ध, यानी धर्म पर कोई विपत्ति आने पर बेकसूर लोगों के लिए लड़ना, मतलब बुराई के खिलाफ लड़ना होता है। मुसलमान काबा की पूजा करते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का यह मानना है कि जब मुसलमान मूर्ति पूजा के विरुद्ध हैं, तो फिर इसका क्या कारण है कि मुसलमान नमाज में काबा की तरफ झुकते हैं, काबा जो कि एक पत्थर का बना होता है उसकी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि काबा किबला है, अर्थात वह दिशा जिधर मुसलमान नमाज पढ़ते वक्त अपने चेहरे को करते हैं। मुसलमान काबा की ओर रुख करते हैं, काबा की पूजा नहीं करते हैं। इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग सिर्फ अल्लाह की पूजा अर्थात इबादत करते हैं। इस्लाम निर्दोषों पर अत्याचार करता है। दोस्तों, इस्लाम में छोटे से छोटे गुनाह की बहुत सख्त सजा है, फिर निर्दोषों पर अत्याचार करना तो कत्ल करने के बराबर है। इस्लाम धर्म में इंसान की जान को बहुत महत्व दिया गया है। यदि कोई किसी व्यक्ति का कत्ल करता है, तो इसका मतलब है कि वह इंसानियत का कत्ल करता है, यानी इस्लाम में इंसान की जान लेना पूरी तरह इंसानियत की जान लेने के बराबर है, फिर चाहे वह जान किसी मुसलमान की हो या किसी गैर मुस्लिम की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस्लाम धर्म से जुड़े इन छोटी बातों में से आप कौन सी बात को पहले से जानते थे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।